मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चर्चा एक बार फिर से देश भर में हो रही। इस बीच मथुरा की रिफाइनरी पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीम ने गुरुवार तड़के लॉरेंस बिश्नोई और हासिम बाबा गैंग के शार्प शूटर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कार्रवाई में पैर में गोली लगने से शार्प शूटर घायल हो गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने उसके कब्जे से बिना नंबर की बाइक, एक पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए हैं। यह मुठभेड़ मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र में हुई। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी योगेश कुमार उर्फ राजू के रूप में हुई है। योगेश कुमार दिल्ली के सनसनीखेज नादिर शाह हत्याकांड का मुख्य शार्प शूटर भी है।